नमस्कार दोस्तों, मैं मनु पंवार। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा रोमांच गढ़वाल संसदीय सीट पर बना हुआ है, जहां बीजेपी के अनिल बलूनी और कांग्रेस के गणेश गोदियाल के बीच काफ़ी दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है। एक अन्य सीट है टिहरी लोकसभा सीट, जहां आमतौर पर चुनाव बड़े नीरस बड़े बोरिंग होते रहे हैं, क्योंकि यहां आमतौर पर भूतपूर्व टिहरी रियासत के राज परिवार को एक तरफा वोट पड़ते रहे हैं। लेकिन इस बार एक कैंडिडेट ने मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग बना दिया है, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि वो किसी पार्टी का कैंडिडेट नहीं है बल्कि निर्दलीय प्रत्याशी है, और उसे उत्तराखंड क्रांति दल यानी UKD का समर्थन हासिल है। वो उम्मीदवार है बॉबी पंवार, जिसकी खासकर सोशल मीडिया पर खासी हवा बनी हुई है। लेकिन ज़मीन पर क्या चल रहा है? क्या वाकई बॉबी पंवार एक सीरियस कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं? क्या टिहरी संसदीय सीट पर लंबे समय बाद राज परिवार के किसी सदस्य को कड़ी चुनौती मिलती दिख रही है? इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ उत्तरकाशी जिले से जुड़ रहे हैं पंकज कुशवाल। तो मेरे साथ उत्तरकाशी जिले से पंकज कुशवाल जुड़ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जमीन पर चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उत्तराखंड में जो पॉलिटिकल हलचल है बहुत बारीक से नजर रखते हैं। पंकज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। टिहरी जो संसदीय सीट है, आमतौर पर बड़ी नीरस माना जाता है वहां का जो चुनाव है, इस बार कुछ कलर दिख रहा है, और वो भी एक निर्दलीय की वजह से। ये क्या कुछ हो रहा है उधर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। पिछले दो ढाई दशकों से, जब से हमने राजनीति को या देखना शुरू किया, जब हम युवा हो रहे थे, उसके बाद से हमने बिल्कुल हलचल नहीं देखी यहाँ पर। सिर्फ 2012 का उपचुनाव छोड़ दें, जब विजय बहुगुणा ने सीट छोड़ी थी मुख्यमंत्री बनने के लिए, तब उपचुनाव हुआ था, तो उस दौरान थोड़ा सा हलचल दिखी थी। लेकिन भाजपा के टिकट पर पहली बार चुनावी मैदान में उतरी माला राज्य लक्ष्मी शाह ने जीत दर्ज की, वो भी उसके बावजूद जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र प्रत्याशी थे, और तब साकेत बहुगुणा को सुपर सीएम भी माना जाता था, उसके बावजूद भी वो हार गए थे। तब से लेकर अब तक लगातार तीन चुनाव, और वो माला राज्य लक्ष्मी शाह लगातार तीन चुनाव जीत चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि जैसा एक तरफा रहा है हमेशा। लेकिन इस बार थोड़ा सा रोचकता जो इसमें आई है, वो एक 26 वर्षीय युवक है, उसकी वजह से आई है। बॉबी पंवार पिछले डेढ़ दो सालों से पूरा उत्तराखंड बॉबी पंवार और उसके आंदोलनों का गवाह बना है, चाहे देहरादून में एक तरह से नेतृत्व के रूप में उभरा है। तो अभी जो टिहरी गढ़वाल का चुनाव है, इतना इंटरेस्टिंग तो पिछले दो ढाई दशकों में नहीं लगा था जितना पहली बार लग रहा है, वो भी सिर्फ एक निर्दलीय प्रत्याशी की वजह से, जिसे कुल जमा लोग पिछले दो ढाई सालों से, ढाई साल भी मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, पिछले डेढ़ दो सालों से जानते हैं, और उस लड़के के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी लोगों को नहीं है। सिर्फ ये है कि वो एक चेहरा था उस आंदोलन का, जो पिछले साल जिसका गवाह पूरा उत्तराखंड बना था। इसीलिए मेरी दिलचस्पी ये जानने में हुई कि आखिर टिहरी सीट पे क्या चल रहा है। तो ये मैं जानना चाह रहा था कि बॉबी पंवार क्या सिर्फ सोशल मीडिया सनसनी है, या वाकई जमीन पर कुछ दिख रहा है, उनमें कुछ दमखम दिख रहा है? देखिए, अभी पिछले कुछ चुनावों से देखा जाए तो सोशल मीडिया पे एक अलग तस्वीर दिखती है और जमीन पर एक अलग तस्वीर दिखती है। पिछला 2022 का जो विधानसभा चुनाव था, तो सोशल मीडिया पर भाजपा विरोधी माहौल दिख रहा था हर जगह। तो ऐसे में तमाम राजनीतिक विश्लेषक या फिर जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, खुद मैं भी, हम लोग ये मान के बैठे थे कि भाजपा के खिलाफ लहर है, सोशल मीडिया के जरिए ऐसा दिख रहा था। जब परिणाम आए तो बिल्कुल उसके उलट थे। तो सोशल मीडिया पे बॉबी पंवार ट्रेंड कर रहा है। आप अगर ट्विटर पे देखें या फेसबुक पे देखें, व्हाट्सएप के फॉरवर्ड्स को देखें, तो बिल्कुल मिजाज बदला हुआ है। लेकिन इससे पूरी तरह से ये मान लिया जाए कि बॉबी पंवार जो है वो बहुत मजबूत स्थिति में है, ये कहना भी बहुत जल्दबाजी होगी। उसके पीछे दो कारण है। भाजपा अभी यहाँ पर, कांग्रेस और भाजपा के बीच में कोई मुकाबला नहीं है। कांग्रेस का देखने में लग रहा है कि कांग्रेस पहले उसी दिन सरेंडर कर चुकी थी जिस दिन
ज्योत सिंह बंसोला का नाम का ऐलान हुआ था, क्योंकि उससे पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि कांग्रेस से प्रीतम सिंह जो है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्योंकि पिछले चुनाव प्रीतम सिंह करीब तकरीबन 3 लाख वोटों से हार गए थे। फिर भी उम्मीद थी लोगों की कि वो चुनाव के मैदान में उतरेंगे। फिर एक बार ये कयास शुरू हो गए थे कि बॉबी पवार को ही कांग्रेस अपना प्रत्याशी बनाएगा। लेकिन इन सारी जो भी लोग सोच रहे थे उससे परे जब ज्योत सिंह गुनसोला का नाम का ऐलान होता है और उससे कुछ एक हफ्ते पहले अखबारों में ज्योत सिंह गुनसोला का एक बयान छपता है कि मैं भी दावेदारी कर रहा हूं। उससे पहले उनका नाम कहीं भी दावेदारों में नहीं था। तो जब उनके नाम का ऐलान होता है तो एक निराशा सी पसर जाती है, और उस निराशा में एक चीज तो साफ हो जाती है कि अब मुकाबले से कांग्रेस है नहीं। और अब तक जब से नाम की घोषणा हुई है और अब तक ये सच भी हो गया है कि कांग्रेस सरेंडर कर चुकी है। तो ऐसे में जो मामला एक तरफा होना था भाजपा के लिए वो बॉबी पवार की वजह से बड़ा दिलचस्प हो चुका है। फिर वापस लौटते हैं कि सोशल मीडिया पे तो बॉबी पवार सनसनी बना हुआ है। सोशल मीडिया में उसके पक्ष में खूब पोस्ट की जा रही है, और जहां पर उसके जो वो अपने रोज के अपडेट्स डालता है प्रचार प्रसार के, वहां के उनके कमेंट्स को देखेंगे तो मैक्सिमम पॉजिटिव कमेंट्स है, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग, उसे डोनेट कर रहे हैं। लेकिन मसला है जमीन पर, और उसकी जो बैकएंड में टीम काम करती है, जो पृष्ठभूमि तैयार करती है, धरातल पर जो काम करती है टीम, वो बॉबी पवार के पास नहीं है। और ये सच्चाई है, भाजपा सामने से जो भी दिख रही हो लेकिन धरातल पर उसका एक मजबूत संगठन है, सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं है, पूरे देश भर में। और रही बात टिहरी संसदीय सीट की, तो ये हमेशा से भाजपा की सबसे आसानी से जीती जाने वाली सीट रही है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो यहां मैक्सिमम भाजपा ही जीती है, और राज परिवार का ही दबदबा रहा है 90% से अधिक समय तक। और हाँ, भाजपा और राज जी, हाँ उस पे मैं आऊंगा। मैं ये थोड़ा जानना चाह रहा था पंकज भाई जी, बॉबी का जो चार्म है, मतलब क्या है ऐसा, ऐसी वजह क्या है? क्या यही की जो प्रोटेस्ट हुए, जो आंदोलन 1.5 साल में 2 साल में उन्होंने किए, बहुत उससे उन्होंने यूथ को बहुत अपनी तरफ मतलब अट्रैक्ट किया है, चार्म क्या है अगर मैं कहूँ आपसे बॉबी पवार का? जी, बॉबी पवार का जो इस तरह से निखर कर आना, उसके पीछे 2 कारण थे कि जब पिछले दिनों लगातार पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षाएं रद्द की जा रही थी पेपर लीक के बाद, या नौकरियां बेचे जाने की खबरें आ रही थी, तो बॉबी पवार जो है उस समय उस आंदोलन का एक चेहरा बन गया था, और उस वो चेहरा बना और उसके पीछे युवा जुड़ते गए। तब से युवाओं का एक बड़ा वर्ग जो है वो बॉबी पवार को लगातार फॉलो कर रहा था, वो बॉबी पवार की रोज की दिनचर्या देखता था कि बॉबी पवार का अगला एक्शन क्या होगा, वो लगातार उसके समर्थन में खड़ा होता। बॉबी पवार जब भी ऐलान करता तो वो जाता, तो युवाओं की बड़ी नजर थी उस पे। जब बॉबी पवार ऐलान करता है कि वो चुनाव लड़ेगा, तो जो युवा उसे लगातार पिछले 1.5 साल से फॉलो कर रहे थे, उन्होंने उसके पक्ष में एक माहौल बनाना शुरू कर दिया था सोशल मीडिया पर, और उसके पीछे लोगों का ज्यादा जुड़, युवाओं का ज्यादा उसका प्रचार प्रसार का एक कारण और भी था कि इस चुनाव में पहली बार देख रहा हूं कि जब किसी प्रत्याशी को मैं मतलब पहले होता था होगा, पर जब से हमने चुनाव देखना शुरू किया, किसी प्रत्याशी के लिए लोग खुद चंदा जुटा रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं। चाहे गढ़वाल संसदीय सीट में कांग्रेस के प्रत्याशी गणेश कोदिया लगातार चंदा देने की अपील कर रहे हैं लोगों से, तो यहां बॉबी पवार भी लगातार लोगों से डोनेट करने की अपील कर रहा है, लोग दे रहे हैं। और जब लोग चंदा दे रहे होते हैं तो एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं अपने कैंडिडेट पे, और जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनमें बड़ी संख्या युवाओं की है, और ताज्जुब की बात है कि उसमें भी बड़ी संख्या उन युवाओं की है जो नए नए नौकरी लगे हैं पिछले 2 से 3 सालों में। क्योंकि ये भी एक सच है कि पिछले 1.5 से 2 सालों में राज्य सरकार ने रिकॉर्ड पैमाने पर नौकरियां की है, हालांकि भर्ती घोटाले हुए हैं, पेपर लीक हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी करीब करीब 5,000 से ज्यादा युवाओं को इन 2 सालों में नौकरियां मिली है। हाँ, कुछ परीक्षाएं पहले हो चुकी थी जिनके परिणाम अब घोषित हुए हैं, या कुछ परीक्षाएं इस दौरान हुई जिनके परिणाम बहुत जल्दी जल्दी जो है घोषित किए गए चुनाव को देखते हुए। तो बड़े पैमाने पर जब नौकरियां बांटी गई तो युवाओं के मन में कहीं ना कहीं ये है कि पारदर्शिता जो सुनिश्चित हुई है वो इसलिए हुई थी क्योंकि बॉबी पवार नाम का एक लड़का लड़ रहा था, तो इसलिए डोनेशन का जो है वो सिर्फ बेरोजगार युवा ही नहीं, जो हाल ही में नौकरी लगे हैं वो भी है। आप रैंडमली किसी युवा से पूछते हैं तो कहता कि हाँ मैं बॉबी पवार के साथ हूं, खुल के कहता है, खुल के समर्थन कर रहा है। तो बॉबी पवार का इस तरह से खुल के आना
मूल रूप से जो ये नौकरियों का, और उत्तराखंड में आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी के प्रति कितना आकर्षण है लोगों का, यहाँ तक कि आउटसोर्स के जरिए जब सरकारी विभागों में 10-12 हजार रुपए की नौकरियों के लिए भी लोग यहाँ पर लाइन लगा के खड़े हैं, अपने 30-30 हजार की जो प्राइवेट सेक्टर की जॉब है उसे छोड़ के आ जाते हैं क्योंकि एक रुचि है। तो ऐसे में उन्हें सरकारी नौकरी पाने का जो एक सपना है, उस सपने के बीच में उन्हें पता था कि कई अवरोध हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, पैसा दे के नौकरी लग रहे हैं, नेता रिश्तेदार अपने लोगों को नौकरी लगा रहे हैं। तो अचानक से एक लड़का आता है और उस इन सब के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, वो चेहरा बन जाता है इस पूरे प्रोटेस्ट का जो लोगों के मन में, युवाओं के मन में दबा हुआ था। तो वो युवा अभी तक उससे कनेक्ट किए हुए हैं और जो लोग, और युवाओं की बड़ी संख्या सोशल मीडिया पे है, तो इसलिए उनका, अगर मैं इसका थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, एक उदाहरण बताता हूं मैं कि बॉबी पवार का इसलिए भी ज्यादा दिख रहा है कि अगर हम, खासकर जो हम लोग जिन इलाकों में बहुत ज्यादा मुस्लिम नहीं रहते हैं, तो आमतौर पे क्या होता है कि 100 की भीड़ में 5 बुर्का पहने महिलाएं दिखती है, तो 5 या 10 दिखती है, तो हमें लगता है कि अरे इनकी संख्या बड़ी हो गई है। जैसे उत्तराखंड में एक मिजाज बन गया है कि मुसलमानों की तादाद बड़ी हो गई है, उसी तरह से सोशल मीडिया पे सिर्फ जो हल्ला दिख रहा है वो बॉबी पवार का दिख रहा है। तो अगर 100 लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, उनमें से 15-20 लोग सिर्फ बॉबी पवार के समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं और बाकी 70-80 लोग चुप हैं। तो सबको ये लग रहा है कि बॉबी पवार का अच्छा हाइप बन गया है। तो हालांकि मेरा उदाहरण थोड़ा सा, उदाहरण थोड़ा गलत दिया था मैंने, मैं इसके लिए माफी चाहता हूं। सोशल मीडिया सनसनी, इसीलिए पूछा मैंने कि वो सोशल मीडिया सनसनी तो नहीं रह जाएंगे ऐसा। जी आप कुछ कह रहे हैं? ऐसा जी, ऐसा संभव हो सकता है क्योंकि इसके पीछे एक कारण ऐसा है कि सोशल मीडिया पे हम लोग जब अंदाजा लगाते हैं कि एक दिन में 100-150 पोस्ट हो रही हैं, तो आप उसको भी देखिए कि सोशल मीडिया पे एक्टिव कितने। अगर मैं अपने ट्विटर पे हूँ और मैं फेसबुक पे हूँ, मेरे 5000 फ्रेंड्स हैं या मुझे, मैं 5000 लोग मेरे साथ जुड़े हैं, पर एक्टिव उसमें कितने हैं? 100 से 150 लोग जो रोज पोस्ट अपडेट कर रहे हैं। उन 100 की पोस्ट को मैं देख रहा हूँ कि उसमें से 20-30 लोग जो है वो बॉबी पवार के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, बाकी लोग जो है वो अलग अलग विषयों के बारे में पोस्ट कर रहे हैं जिनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है। तो मुझे वो 20 दिख रही है, तो इसका मतलब मैं ये अनुमान मान के चल रहा हूँ कि हाँ बॉबी पवार प्रचलन में है। मैं कुछ 4 युवाओं से रैंडम बात करता हूं, वो कहते हैं कि नहीं हम तो बॉबी पवार को देखें। लेकिन जब मैं भाजपा के किसी चुनावी रैली में भीड़ को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि नहीं, जमीनी हकीकत कुछ अलग है। आज इत्तेफाक से भटवाड़ी में रैथल में उनका हेलीकॉप्टर उतरा था, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आए थे और यहीं से वो भटवाड़ी तक गए थे। तो भटवाड़ी में एक विशाल जनसभा थी और पूरा इलाका वहां पे भीड़ से बहुत भरा हुआ था। तो आप इसे सोशल मीडिया के कुछ 100 पोस्ट को और इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सोशल मीडिया पे चल रहा है वो हकीकत नहीं है। समर्थन मिल रहा है, व्यापक समर्थन मिल रहा है, पर अब ये पता नहीं है क्योंकि एक तो संगठन नहीं है, जब धरातल पर अभी तक ये पता नहीं है कि किस बूथ पे कौन एजेंट होगा बॉबी पवार का। चुनाव को बमुश्किल से 2 हफ्ते बचे हुए हैं और बॉबी पवार के साथ भीड़ तो दिखती है, या फिर पुरोला में मुख्यमंत्री आते हैं तो 4 लोग मुख्यमंत्री के सामने बॉबी पवार के समर्थन में नारेबाजी शुरू कर देते हैं। वो उत्साह तो है, लेकिन बड़ी मुश्किल यह है कि वो भीड़ उन्हीं के साथ चल रही है जहां बॉबी पवार समर्थ जा रहा है। बॉबी पवार का प्रचार जहां खत्म हो जाता है, उसके बाद का क्या, उसके बाद को उस माहौल को बनाए रखना क्या है? तो इसके लिए बहुत एक उस तरह की जरूरत होती है। और खासकर मैं जितना उत्तरकाशी को समझा हूं और गंगोत्री विधानसभा को, तो यहाँ भाजपा का एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। 2019 के लोकसभा चुनाव में ही सिर्फ रैथल गांव जहां मैं बैठा हूं और एक बॉन गांव है गंगोत्री विधानसभा का, जहां कांग्रेस पहले नंबर पर रही थी, वरना इस विधानसभा के किसी भी बूथ पर कांग्रेस पहले नंबर पर नहीं रही। विधानसभा चुनाव में भी वही हाल थे। तो इस इतने बड़े वोट बैंक से मतलब लड़ना, इतने बड़े वोट बैंक को डाइवर्ट करना, हालांकि बॉबी पवार का एक अच्छी बात है कि बॉबी पवार के समर्थन में कुछ ग्राम पंचायतें भी खुल के आ रही हैं, लेकिन वो गिनती की हैं। कुछ ग्राम पंचायतों ने, रवाई क्षेत्र में कुछ ग्राम पंचायतों ने लिख के दिया कि हम बॉबी पवार को वोट देंगे, बट हम उसे प्रधान या कुछ सदस्यों का एक पत्र जो है वो पूरे गांव की सहमति नहीं मान सकते हैं। हालांकि परिणाम जो भी हो, पर अभी एक क्षेत्र तो है जो बॉबी पवार के समर्थन में बहुत ज्यादा दिख रहा है, खासकर टिहरी संसदीय सीट का
चाहे रवाई क्षेत्र हो, जौनसार क्षेत्र हो, जौनपुर क्षेत्र हो, लेकिन वोटों के हिसाब से बहुत छोटा क्षेत्र है। वोटों के हिसाब से जो घना क्षेत्र है उसमें सिर्फ सोशल मीडिया पे दिख रहा है, तो हमें भी मतलब बोलने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे है हाइप, इससे कोई दो राय नहीं है, पर वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही है जी। तो कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के जरिए 2027 का के विधानसभा चुनाव के लिए रास्ता बनाया जा रहा है? बहुत संभव है, क्योंकि देखिए बॉबी पवार अभी 26 साल का है, बॉबी पवार 26 साल का है, और बॉबी पवार एक ऐसे इलाके से ताल्लुक रखता है जौनसार से जो कई सालों से पारंपरिक रूप से परिवार की सीट रही है। अभी मौजूदा विधायक कांग्रेस के जो हैं प्रीतम सिंह जी, इससे पहले उनके पिताजी वहां से रहे हैं, और प्रीतम सिंह लंबे समय से विधायक हैं, और जब से प्रदेश बना है तब से वो लगातार वहां से जीत रहे हैं। प्रचंड भाजपा लहर में भी वो वहां से जीते हैं पिछले दो चुनाव 2017 और 2022 का। वहां पर प्रीतम सिंह को चुनौती देते हुए अभी तक फिलहाल मुन्ना सिंह चौहान ही दिखे हैं, लेकिन मुन्ना सिंह चौहान भी अपनी सीट 2017 में बदल चुके हैं, विकास नगर पलायन कर चुके हैं। 2017 में मुन्ना सिंह चौहान जी की पत्नी मधु चौहान ने चुनाव लड़ा था, बहुत नजदीकी मुकाबला था, वो भी तब जब प्रचंड मोदी लहर थी, पर मधु चौहान हार गई, प्रीतम सिंह तब भी जीत गए। 2022 में जुबिन नौटियाल जी के पिताजी हैं उनको टिकट दिया गया था, अच्छे नेता है, जौनपुर जौनसार के माने जाते, लेकिन वो प्रीतम सिंह के सामने टिक नहीं पाए। ऐसे में बॉबी पवार के लिए वहां पर तब पर्याप्त संभावनाएं खुलती है, वो भी खासकर तब जब प्रीतम सिंह उम्र के उस पड़ाव में है जहां वो अपनी राजनीतिक विरासत अपने बेटे को सौंपना चाह रहे हैं। और माना यह भी जाता है कि प्रीतम सिंह की कई बार राजनीतिक डीलिंग इसीलिए टूटी है क्योंकि दूसरा पक्ष जो है उनके बेटे को उनकी राजनीतिक विरासत सौंपने के पक्ष में नहीं था। तो ऐसे में बॉबी पवार के लिए इस चुनाव में जीतने से बड़ी बात होगी कि इस चुनाव में उसकी एक ऐसी पहचान बन गई है जिसके पास उम्र के हिसाब से अभी बहुत लंबा समय है, और एक ऐसा क्षेत्र उसके उसका विधानसभा क्षेत्र है जहां उसके लिए पर्याप्त संभावनाएं खुल सकती है अगर वो इस विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन करता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीते या हारे, पर प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। तो विधानसभा के भविष्य के लिए दरवाजे ये लोकसभा का चुनाव खोलेगा, खासकर 2027 के लिए तो तय मानिए। जी जी जी। अब पंकज भाई, 1952 से लेके 2019 तक मैं जो देखा हूँ, लगभग 19 आम चुनाव और उपचुनाव मिलाकर 19 चुनाव हो गए, जिसमें 12 बार जो है जो भूतपूर्व टिहरी रियासत है उसके राज परिवार का कोई ना कोई मेंबर जो है जीतता रहा है। ये बताइए, इतने साल हो गए हैं राजशाही को खत्म हुए, क्या आकर्षण है राज परिवार में अभी भी, ऐसा क्या मुझे नहीं लगता ये औपचारिक रूप से ही राजशाही खत्म हुई है, अनौपचारिक रूप से अभी भी जारी है, क्योंकि दो मैंने हमेशा देखा है कि 4 साल 10 महीने तक सांसद से नाराजगी रहती है, पूरे क्षेत्र में नाराजगी रहती है कि संवाद स्थापित नहीं करते हैं, क्षेत्र में नहीं आते, लेकिन अचानक ही चुनावी बेला शुरू हो जाती है तो लोग सब भूल जाते हैं। लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश की, क्या राजशाही के प्रति वही सम्मान है जिसकी बदौलत मानवेंद्र शाह लगातार जीतते रहे थे, वो भी तब जब उनके बारे में एक प्रचलित कहावत है कि वो किसी से हाथ तक नहीं मिलाते थे और वो हमेशा प्रजा के रूप में सबको ट्रीट करते थे। तो ये जानने की, अब नई पीढ़ी से जानने की कोशिश किया जो इनको वोट देते हैं, तो अभी तक ये समझ में नहीं आया है कि दिमाग में सचमुच में अभी भी राजशाही वाला चैप्टर में। हालांकि एक चीज तो है फैक्ट कि राजशाही वाला फैक्टर तो हमेशा बैठा है, चाहे ये राज परिवार से जुड़ा हो या फिर हम देखते हैं कि पहले पिता विधायक रहे या सांसद रहे, उसके बाद उनके बेटे को आसानी से हम लोगों ने स्वीकार किया है, और एक विधायक का निधन होता है, पार्टी उनकी पत्नी को टिकट दे देती है, लोग भावनाओं में बहके उनकी पत्नी को विधायक बना देते हैं, फिर अचानक उनके बेटे को वो सौंपी जाती है सत्ता। तो राजशाही तो दोनों तरफ है, वो राज परिवार है इसलिए उसे हम डायरेक्टली राजशाही कह सकते हैं, वरना राजनीति का जो स्वरूप है लोगों के, क्योंकि राजशाही से मुक्ति मिले हुए हमें कुछ दशक हुए हैं, 7 दशक के करीब हुए हैं, वरना हमने तो
मानव स्वभाव से देश वालों ने लंबे समय से एक राजा के रूप में देखना पसंद किया है। अगर जितना मैं सोचता हूं कि हम लोगों को नेता भी वही पसंद आता है जो राजा जैसा हो, जो अभी मौजूदा हो या इंदिरा गांधी के दौरान हो, उनकी छवि एक राजा जैसी थी। नरेंद्र मोदी ने भी समय समय पर यह दर्शाया है कि वो एक राजा जैसे हैं और बाकी सब जो वो कहेंगे वही आखिरी सत्य होगा। तो हाँ, वापस राज टिहरी परिवार पे आए तो मैं नहीं मानता हूं कि राजशाही के प्रति इतना सम्मान है जितना बोला जाता है, क्योंकि अगर इतना सम्मान होता तो लोग खुल के आलोचना भी नहीं करते। लेकिन दो कारण है कि पहले का नहीं कह सकता अभी पिछले दो ढाई दशकों में, कि एक तो भाजपा के प्रत्याशी के तौर पे उतारे जाते हैं और भाजपा उन्हें प्रत्याशी के तौर पे इसलिए उतारती है कि भाजपा को भी लगता है कि एक तो वो संसाधनों से परिपूर्ण है, दूसरा क्या है कि राजशाही फैक्टर तो काम करता ही है, और तीसरा ये होता है कि उनको सरकार से अपेक्षाएं नहीं होती है कि हमें मंत्री पद चाहिए या फिर सरकार पे किसी तरह का दबाव। वो चुन के जाते हैं, संसद में बैठते हैं और अपना कार्यकाल पूरा करके वापस टिकट लेके आते हैं, फिर जीत के जाते हैं। तो लंबे समय से एक प्रक्रिया चल रही है। तो राजशाही का कई लोग जिक्र करते हैं कि उन्हें बोलांदा बदरी कहा जाता था या वो, तो उस तरह का सम्मान आज तो नहीं दिखता है अगर आम लोगों से बातचीत करें या उनके सामने उस तक जब वो क्षेत्र भ्रमण में आती है या जनसंपर्क करती है तो लोग उनके प्रति उस तरह का सम्मान दिखाए कि राज परिवार के प्रति दिखा रहा, वो तो नहीं है। लेकिन हाँ, ये फैक्ट तो है कि भाजपा के तरफ से अभी फिलहाल के सालों में प्रत्याशी है इसलिए आसानी से जीत जाता है। अभी हाल के दिनों में मेरी किसी से बात हो रही थी, बड़े नाराज रहते थे सांसद महोदया से, तो मैंने कहा यार भाजपा ने फिर से टिकट दे दिया है, अब क्या? कह रहे कि क्या होना है, सांसद से हमारा वैसे भी कोई काम नहीं पड़ता है, भाजपा ने दे दिया है तो बस हमारे लिए वही बहुत है, सांसद से हमारा काम नहीं, हमारा जो काम है विधायक या प्रमुख से है। तो वह है कि अगर राजशाही का फैक्टर रहा होगा एक दौर में तो अब बहुत ज्यादा दिखता नहीं है बातचीत में। हालांकि मन में बुजुर्गों के हो सकती है श्रद्धा, लेकिन उत्तरकाशी का इतिहास भी अलग कहता है, टिहरी के आसपास का इतिहास, प्रताप नगर या टिहरी के आसपास का इतिहास में वो श्रद्धा बची हो, लेकिन उत्तरकाशी और राज परिवार में बहुत फर्क रहा लंबे समय तक। मानवेंद्र शाह जब प्रत्याशी जी पंकज भाई, टिहरी उत्तरकाशी तो मतलब क्रांति की धरती रही है और लेकिन उस समाज का जो कंट्रडिक्शन है कि एक तरफ आप श्रीदेव सुमन की जयंती मनाते हैं, उनके नाम पे विश्वविद्यालय है, और दूसरी तरफ जिस राज परिवार से जो है श्रीदेव सुमन की जो है टक्कर हुई, जिनसे वो भिड़े, जिनकी व्यवस्था के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, उस राज परिवार को लोग अभी भी सिर माथे बिठाए हुए हैं। ये मतलब ये बड़ा कंट्रडिक्शन है इस समाज में। नहीं, वो तो है, अगर आप देखें कि तिलाड़ी कांड हुआ था, वहां पे अपने राजा के सैनिकों ने किसानों की हत्याएं की थी, या फिर इस इलाके में कहा जाता है कि पिछड़ेपन के लिए राज परिवार जिम्मेदार है, उसके बावजूद भी लगातार जीतना, या श्रीदेव सुमन, या फिर क्रांति की ये जो उत्तरकाशी की एक लाल घाटी ही कही जाती थी कभी, यहाँ कम्युनिस्ट आंदोलन इतना मजबूत था और कम्युनिस्ट आंदोलन का आधार ही राज परिवारों का विरोध था, इसके बावजूद भी जीत जाना आश्चर्य से इसलिए भी भर देता है एक युवा होने के नाते। हम लोग कई सालों से बड़े स्तब्ध हो जाते हैं जब परिणाम निकलते हैं या फिर पार्टियां लगातार इन्हें टिकट देती हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता है, और उसके बाद अचानक से इनका जीत जाना। तो एक वर्ग है जो कहता है कि नहीं, राज परिवार के प्रति श्रद्धा है, और एक वर्ग है जो ये कहता है कि नहीं, इन पर बद्रीनाथ भगवान की कृपा है इसलिए ये जीत जाते हैं। तो हालांकि वोट तो लोग दे रहे हैं, लोग ही जाके पहले ठप्पा मारते थे, अब ईवीएम का बटन दबा रहे हैं, फिर ये सारे किस्से बनाने की नहीं, इन पे ये है। हालांकि इनके पास एक और मजबूत चीज है, वो है मैनेजमेंट। अभी कुछ सालों से आप देखेंगे टिहरी संसदीय सीट के बड़े हिस्से में भाजपा के ज्यादातर विधायक जीते हैं, और भाजपा का संगठन जो है वो इस तरह से काम करता है कि हर विधायक की व्यक्तिगत तौर पर ये जिम्मेदारी होती है कि अपना अपने क्षेत्र में भाजपा को मजबूत रखे, और भाजपा का हमेशा से मजबूत संगठन रहा है। अगर राज परिवार वाला फैक्टर छोड़ भी दे, उत्तरकाशी का ही उदाहरण देता हूं मैं, उत्तरकाशी में मौजूदा समय में कांग्रेस का कोई भी पूर्व विधायक नहीं है, एक भी पूर्व विधायक नहीं है, सिर्फ पूर्व विधायक गंगोत्री विधानसभा के पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण थे जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं, उसके अलावा पुरोला, यमुनोत्री और गंगोत्री
तीनों में कांग्रेस का एक भी पूर्व विधायक नहीं है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस के संगठन या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति होगी। तो ऐसे में भाजपा का वोट बढ़ना या भाजपा के प्रत्याशी का जीतना अप्रत्याशित नहीं है। और रही बात उसकी किस तरह के जुल्म हुए ये हुए हैं, तो लोगों ने तो अंग्रेजों के चैप्टर भूल दिए, लोगों ने तो उसे उनके चैप्टर भूल दिए जिन्होंने 1100 रुपए का सिलेंडर कर दिया है उसका भूल जाते हैं। सुबह एक लड़के से बात हुई, मैंने कहा 1100 का सिलेंडर, वो कह रहा जंगल से जाके लकड़ी ले आओ, कौन कह रहा है कि सिलेंडर पे ही पकाओ। जब इतने तथ्य हो, इतने वो हो लोगों के पास, तो उसमें हम लोगों का ये सोचना कि नहीं राजशाही ने इतने जुल्म किए थे इसलिए उनको वोट नहीं देना चाहिए, तो थोड़ा सा इस तरह के तो कॉन्ट्रडिक्शन तो है जी। दोस्त एक जब आपको शायद पता होगा केदार सिंह फोनिया हुआ करते थे, तो उनके बारे में गढ़वाली में एक बड़ी लोग है मजे लेते थे कि कन्या ना बोनिया केदार सिंह फोनिया। तो माला राजलक्ष्मी शाह वो भी लोगों ने ना देखा सुना ना बोलते हुए कभी ना, लेकिन कभी इसके हाँ तो मतलब न बोल आवाज उठाते हुए ना कभी साथ खड़े होते हुए, अपना जनप्रतिनिधि चुन रहे हैं लोग, मतलब इतना भी ख्याल नहीं रखेंगे कि यार ये हमारी आवाज है तो हम हमारी आवाज संसद में कैसे पहुंचेगी, क्या इसका ख्याल नहीं रखा जाता है। देखिए ये बढ़िया, ये मतलब आम मतदाता होने के नाते हमारे लिए शर्मनाक बात है, वो जीत रही है बिना कुछ किए हुए, बिना क्षेत्र में चेहरा दिखाए हुए, लोगों ने उनका अभी तक 15 मिनट लंबा भाषण भी नहीं देखा। चलिए भाषण को उस कसौटी से छोड़ देते हैं कि अच्छा भाषण देने वाला ही अच्छा नेता होगा, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं ये कोई पैमाना नहीं रह गया है। लेकिन हाँ क्षेत्र के हितों को लेकर या क्षेत्र की बातों को लेकर या दुतरफा संवाद स्थापित करना या उन तक बहुत आसान पहुंच होना, उन सब चीजों को देखकर लगता है कि मतलब लोग वोट कैसे दे रहे हैं, ये लोगों का फेलियर है। क्योंकि मैं हमेशा से मानता हूं कि हमारा नेता मतदाताओं को प्रतिनिधित्व करता है, तो ये वोटर के तौर पे हम सब लोगों का एक सामूहिक फेलियर है कि आप 4 साल 10 महीने उनकी आलोचनाएं करते हैं, तीखी आलोचनाएं करते हैं, क्योंकि वो 4 साल 10 महीने आपको दिखती नहीं है, अचानक वो 4 साल 11वें महीने पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी के रूप में आती हैं और आप उनका नाम कभी नहीं लेते हैं, आप उन्हें हमेशा महारानी ही कहते हैं। मैंने तमाम भाषण सुने हैं, मैंने विधायकों के भाषण सुने हैं, मैंने भाजपा पदाधिकारियों के भाषण सुने हैं, आपने आज तक किसी ने उनका नाम माला राज्य लक्ष्मी शाह नहीं लिया है, महारानी जी ही कहा जाता है। तो जब आपका इस तरह का वो पड़ा हो दबाव दिमाग में कि आप आज तक भी इस चीज से बाहर नहीं निकल पाए हैं कि महारानी और महाराजा वाला चैप्टर 1949 में बंद हो गया था, और इतने साल बाद भी जब 3 पीढ़ियां निकल चुकी है और आप उन्हें ये हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं कि आप ये बोल सकें कि हमारे बीच हमारे प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह है, तो विडंबना तो है। तो पंकज भाई आखिरी में मैं एक चीज और जानना चाह रहा था, बॉबी पवार का उभार हमें एक संकेत भी देता है कि माला राज्य लक्ष्मी शाह के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी है, मतलब एक असंतोष का वो है, वो हमें उसमें दिखता है। तो जो उस मतलब सांसद के खिलाफ नाराजगी है वो वोट कांग्रेस के बजाय बॉबी पवार की तरफ जाता हुआ दिख रहा है क्या आपको? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए नाराजगी का वोटर होना एक बड़ा वोटर ऐसा भी उभरता है हर साल जिसे लगता है कि यार महारानी को तो नहीं देंगे वोट क्योंकि वो दिखती नहीं है, क्या करना। और देखिए मेरे मुंह से भी महारानी निकला क्योंकि वो लोग भी कहते हैं कि महारानी को नहीं देना है वोट, तो अब किसे दें? कांग्रेस के जब भी कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी यहाँ उतारा है तो प्रत्याशी हमेशा से एक ऐसे बैकग्राउंड को लेकर साथ चला है जिससे लोगों की राज्य लक्ष्मी शाह से ज्यादा नाराजगी रही है। मान लीजिए विजय बहुगुणा के पुत्र साकेत बहुगुणा थे तो एक मैसेज था कि वो सुपर सीएम बन के रह रहे हैं, वो 2012 का उपचुनाव हार गए, 2014 का उपचुनाव हार गए, सिर्फ इस वजह से कि लोगों को यह था कि नहीं यार यही सरकार चला रहा है, तो मजबूत प्रत्याशी नहीं था उनके सामने।
2019 में प्रीतम सिंह आए तब मोदी लहर बहुत चरम पर थी, लेकिन इस बॉबी पवार ने एक उम्मीद जरूर दी है कि अगर कोई प्रत्याशी इस तरह से मजबूत हो जो लोगों की उम्मीदों के लिए खुला आसमान बने, तो ऐसा नहीं है कि संभावनाएं नहीं है। बॉबी पवार के साथ अगर आज समर्थन है 2019 के मुकाबले, आज अगर लोग खुलकर भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं या भाजपा की आलोचना कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग और युवाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है बॉबी पवार के समर्थन में खड़ा हो रहा है, उसे डोनेट कर रहा है, उसे चंदा दे रहा है, उसके लिए नारे लगा रहा है मुख्यमंत्री के सामने बिना ये झिझके हुए कि पुलिस हमें गिरफ्तार भी कर सकती है, बॉबी पवार जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक खालीपन तो था जिसे भरने की जरूरत थी। बॉबी पवार के रूप में लग रहा है कि वो खालीपन भरने को वाला है। तो बॉबी पवार एक एग्जाम्पल है कि अगर इस तरह का कोई नेतृत्व कांग्रेस या अन्य विपक्षी पार्टी भाजपा के खिलाफ देता है जो साफ छवि का भी हो और जिसमें लोगों को उम्मीद दिखे, तो ऐसा नहीं है कि राज परिवार का किला ध्वस्त नहीं किया जा सकता है। और खासकर इस बार बॉबी पवार ने बड़ी अच्छी राह चुनी है, उसने ये लड़ाई भाजपा वर्सेस बॉबी पवार की नहीं की है। जिसने भी सलाह दी बॉबी पवार को बड़ी अच्छी दी थी कि उसने ये लड़ाई भाजपा वर्सेस बॉबी पवार न करके राज परिवार के खिलाफ आम जनता की लड़ाई की है। उसके प्रचार का जो मूल आधार है वो राज परिवार के, वो भाजपा की आलोचना नहीं कर रहा है, वो राज परिवार और राज्य सरकार की आलोचना कर रहा है। तो ये वाला जो नया एक ट्रेंड शुरू हुआ है, इससे कांग्रेस या कोई भी विपक्षी दल अगर सबक ले तो एक बहुत अच्छा अवसर है कि लोगों को एक अच्छा विकल्प चाहिए टिहरी में, ऐसा नहीं कि तो हालांकि हाँ बॉबी पवार को वोट कितने मिलते हैं या 19 तारीख तक मतदान तक बॉबी पवार अपना जो ये प्रचार का तरीका है कितना आक्रामक रखते हैं, कितने लोगों को जोड़ पाते वो भी देखना एक फैक्ट होगा, पर हाँ ऐसा नहीं है कि लोगों को अब लग रहा है कि अगर लोगों के सामने विकल्प हो तो लोग खुलकर भी सामने आ सकते हैं, खुलकर भी समर्थन किसी और का कर सकते हैं। तो सेम ऐसे ही जैसे गढ़वाल में हो जी जैसा गढ़वाल में हो रहा है, अनिल बलूनी एक बड़े नेता है। अनिल बलूनी का अगर मीडिया मैनेजमेंट देखे तो जब तक त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थे तो इनके अनिल बलूनी के नाम पे उत्तराखंड में खवा बना था कि नहीं इन्हें मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, क्योंकि वो हेडलाइन मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते थे। लेकिन जब आज वो आए हैं गढ़वाल संसदीय सीट में लड़ने, तो आज देखिए कितना फर्क दिख रहा है, क्योंकि लोगों को गणेश गोदियाल अपने बीच का लग रहा है, उन्हें वो हार जीत जिसकी भी हो, पर आज अनिल बलूनी के लिए उतनी आसान नहीं है राज जितनी 3 साल पहले उनको त्रिवेंद्र रावत का विकल्प देखा जाता था या मुख्यमंत्री के लिए सबसे परफेक्ट माना जाता था। तो इस तरह की परिस्थितियां यहां भी हैं जी। हाँ, वही जो गढ़वाल संसदीय सीट पर हुआ है कि दमदार कैंडिडेट सामने रहा, प्रतिद्वंदी सामने रहा, तो चुनाव जो है बड़ा रोचक हो गया, बहुत रोमांचक चुनाव हो गया। इसी तरह बॉबी जो है एक नीरस पिच पर जो है अचानक एक सितारा बनकर उभरे हैं, उसने तो आपको लगता है कि मतलब टिहरी उत्तरकाशी जिले में जो एक लीडरशिप का जो संकट है, एक जो नया नेतृत्व उभरता हुआ कुछ दिख रहा है भविष्य में, या आपको लगता है कि नहीं ये सीरियस कैंडिडेट नहीं है? देखिए थोड़ा सा जल्दबाजी होगा ये कहना, क्योंकि बॉबी पवार का जो फेम है वो अभी बहुत नया है। बॉबी पवार के सामने चुनौती होगी इसे बनाए रखना, बहुत कम उम्र है, बहुत जल्दी फेम मिला है पिछले 1.5-2 सालों में, अभी ये फेम भुना लिया गया तो ठीक है, फिर उसके पास अगर जीत गया बॉबी पवार तो एक जिम्मेदारी आती है पद के साथ, फिर वो बढ़ती चली जाती है। लेकिन एक खतरा ये भी रहता है क्योंकि बहुत नया फेम है और एक इसका समर्थक वर्ग बहुत एक सीमित है, युवा बेरोजगार या फिर वो जिनके बच्चे नौकरी नहीं लग रहे हैं, जो परेशान है, वो इसके साथ बहुत लंबा नहीं चला जा सकता है। और बॉबी पवार को आक्रामक रुख अभी जो हमने देखा, मैं खुद उससे 1-2 बार मिला हूं, बातचीत की है लंबी, तो यह है कि अभी राजनीति के हिसाब से पूरी तरह से तैयार नहीं है। जैसे मैं अभी ये कह देना कि हाँ वो इस खालीपन को या जो नेतृत्व का खालीपन है उत्तरकाशी और टिहरी में उसकी भरपाई करेंगे, ये बहुत जल्दबाजी होगी। वो उन पे डिपेंड करता है कि अगर उनकी जीत होती है तो उनके लिए बड़ा अवसर है बड़ा नेता बनने का, क्योंकि कम उम्र में, अगर वो हार भी जाते हैं तो इतने बड़े जन समर्थन को मेंटेन रखना और इसे और व्यापक करना
ये उनके सामने चुनौती होगी और उससे कैसे पार पाएंगे ये देखना बड़ा रोचक होगा, क्योंकि अभी उनके पास बहुत नया फ्रेम है, बहुत नया फ्रेम और बहुत नया समर्थन है। जी तो पंकज भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत डिटेल में और बहुत बेहतरीन तरीके से टीहरी सीट का जो बहुत बहुत गणित समझाया, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना समय देने के लिए। अरे आपका भी बड़ा, मुझे इसमें शामिल करने के लिए।